जनाब, तो अब हम इसको डेट करते हैं। ठीक है जी, कह रहे कि जी आपका जो है वो अमेज़ॉन एसोसिएट जो है ठीक है जी, कह रहे कि जी इंटरव्यू पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन वो भी हम अभी ही कर देते हैं ताकि हमारा काम मुकम्मल हो जाए। ठीक है जी, और पेमेंट मेथड आप कैसे लेना चाहते हैं, अगर आपके पास पेओनियर है तो आप यहाँ से जो है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या पेओनियर में आपको बैंक डिटेल्स देता है वो डाल दीजिएगा, और अगर पेओनियर नहीं है तो आप बाय चेक भी रिसीव कर सकते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा जो है बहुत सारे लोग पहले इब्तिदा में इसको स्किप कर देते हैं, बाद में आके फिलअप करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वन टाइम में ही आप अपना अकाउंट मुकम्मल कर दें। तो इसके अंदर ये आपसे सारी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, मिसाल के तौर पे जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर वो कुछ नहीं पूछ रहा। फॉर यूएस टैक्स पर्पस, आर यू ए यूएस पर्सन? नो। ठीक है जी, सेव एंड कंटिन्यू। द टाइप ऑफ बिजनेस ओनर, ठीक है जी, हम किस तरह की, कौन सी किस्म हम पे अप्लीकेबल होगी देख लेते हैं। इंडिविजुअल होगी ऑब्वियसली। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, जो भी आपका कंट्री ऑफ सिटीजनशिप है। ठीक है जी, पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। LMNOP, ठीक है जी, पाकिस्तान, फुल नेम। आर यू एन एजेंट एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएट? नो। यानी हम तो अपने लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए तो नहीं कर रहे। ये जनाब उसका हमसे हमारा एड्रेस पूछ लिया। वंस अगेन, एड्रेस ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास पियोनियर नहीं है और आप को चेक चाहिए तो चेक लामाला आपके घर के पते पर आएगा, या जो पता आपने यहाँ पे दिया हुआ है। वो कह रहा है जी आपका मेलिंग एड्रेस क्या है, आप कह दें जी ऊपर वाला ही है। ठीक है जी, यूएस पर्सन टेस्ट इंडिविजुअल। ठीक है कि सेलेक्ट ऑल द आइटम दैट अप्लाई। आई हैव ए वॉलेट वैलिड दिस दिस? नहीं भाई। ठीक है जी, आई वॉज बॉर्न एंड हैव नॉन रेजिडेंसी, आई होल्ड ग्रीन, आई हैव स्पेंड टाइम इन यूएस। ठीक है, इसमें से हमारे पर कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा। लोकेशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, प्लीज़ कन्फर्म वेयर द सर्विसेज प्रोवाइडर टू अमेजोन विल परफॉर्म। ऑल सर्विसेज आर परफॉर्म आउटसाइड द यूएसए, ऑल सर्विसेज आर परफॉर्म इनसाइड द पोर्शन। हम तो यूएस के बाहर ही कर रहे हैं। आई विल प्रोवाइड द नोटिफिकेशन इन राइटिंग और बाय रीटेकिंग द टैक्स इंफॉर्मेशन इंटरव्यू शुड द लोकेशन ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडर चेंज। अगर चेंज हो गई, कल को आप यूएस चले गए और आप को फिर ये इंफॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ेगी। टैक्स आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास आई हैव USTIN 10 नंबर, ठीक है, ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो हमारे पास नहीं है। आई हैव फॉरेन नॉन यूएस इनकम टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आई हैव बोथ यूएस, आई डो नॉट हैव US TIN और ए फॉरेन इनकम टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है जी, हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ये कह रहा है कि जी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए, आए हमारी बिल्कुल यही इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी, आप नेक्स्ट कर मूव कर जाइए। ठीक है जी, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें सुबह बतानी है। आई कॉन्सर्ट इलेक्ट्रिक ट्रेसर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, नो मी अदर डॉक्यूमेंट। जर से बातें ईमेल पे हम रिसीव करेंगे। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक आई कॉन्सर्ट प्रोवाइड ईमेल सिग्नेचर,
ठीक है जी, आई एम एन इंडिविजुअल बेनिफिशियल, आई एम ए पर्सन इन फॉर्म नॉन यूएस इनकम एंड विशेष रिलेट सर, ठीक है जी, ये सारे ही ठीक हैं। सिग्नेचर में अपना नाम डाल दीजिए, ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप ये सारी फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है जी। ये आपका साइन वो आ गया है, ये आपका 100% हो गया है। काम तो आप 0% पे भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसको मुकम्मल कर लें ताकि आपका जहन एक तरफ हो जाए। एग्जिट इंटरव्यू, ठीक है जी, ये आपका अकाउंट बन गया है। अब इस अकाउंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक इसका इंट्रोडक्शन भी करा सकता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, ये आपके सामने अमेज़ॉन एसोसिएट का अकाउंट आ रहा है। यहाँ पर आपके पास लिंक्स एंड बैनर का सेक्शन है। लिंक्स एंड बैनर में आपको प्रोडक्ट के लिंक्स चाहिए, बैनर्स के लिंक्स चाहिए, लिंक्स टू एनी पेज, क्विक लिंक कर, ये सारे आपको लिंक्स मिल जाते हैं। विडगेट्स हैं इसके अंदर, आपको मुख्तलिफ किस्म के विडगेट्स मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप अपनी वेबसाइट में अमेज़ॉन का कोई जो है वो बैनर या इस तरह की कोई चीज़ लगाना चाहें तो ये सेक्शन है। ये स्टोर का सेक्शन है, इसके अंदर आप अपना पूरा स्टोर जो है वो अलग लिंक कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से ये पूरा फर्दर इसमें चीज़ें हैं, पब्लिशर स्टूडियो है, प्रोडक्ट एडवर्टाइज़र एपीआई है, एफिलिएट प्रोग्राम के मज़ीद चीज़ें हैं। ये आपके रिपोर्ट्स हैं, अर्निंग रिपोर्ट्स आपकी यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आप अपनी अर्निंग्स देख सकते हैं। जब भी आपको ये देखना हो कि आपके एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स के नतीजे में क्या रिजल्ट्स हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ आपके पास डेट रेंज जो है आप वो कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि अर्निंग रिपोर्ट आप चेक करना चाहते हैं, ऑर्डर रिपोर्ट्स, डेली ट्रेंड्स, ये मुख्तलिफ किस्म की आपकी रिपोर्टिंग्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपकी मज़ीद समरी है कि सेलर कौन था, प्राइस कितनी थी, एडवर्टाइजिंग फीस यानी वो कमीशन जो आपको मिलना है वो कितना मिला, आइटम शिफ्ट हो गया है उसका क्या स्टेटस है, रेवेन्यू कितना है, एडवर्टाइजिंग फीस कितना है, डिवाइस टाइप क्या है। अर्निंग रिपोर्ट का टोटल आपके पास आ जाता है कि कितने आइटम्स शिफ्ट हुए, क्या रेवेन्यू रहा, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका ओवरव्यू आ गया है। फर्दर इसके अंदर आप देखें तो ऑर्डर यही रिपोर्ट्स के मुख्तलिफ सेक्शन मौजूद हैं। तो आप इसके होम पेज पर आए तो हमें अमेज़ॉन एसोसिएट के ये आपके पास आ रहा है साइन इन, ये आपका यूज़र नेम है, ये आपकी ट्रैकिंग आईडी है, ठीक है जी। अगर आपको डील्स एंड ऑफर्स देखनी है तो यहाँ देख सकते हैं, स्पेशल बाउंटीज यानी स्पेशल ऑफर्स जो आई हुई हैं वो यहाँ देख सकते हैं। स्पेशल ऑफर से मतलब ये है कि वो ऑफर्स जो एफिलिएट्स को स्पेशली दी जाती हैं। ये फीचर्ड प्रमोशन चल रही है, $20 क्रेडिट एंड एक्स्ट्रा 20% ऑफ पैम्पर्स ड्राइपर की, ठीक है जी। ये आपके पास माई हैबिट्स की चल रही है, तो मुख्तलिफ आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ प्रमोशनल्स आपको नज़र आ रही हैं, तो इनको भी आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये स्पेशल बाउंटीज हैं यानी कि इसके अंदर आपको ये प्रमोशन का बता रहा है कि जी ये उसकी मुख्तलिफ डेट्स आ रही हैं, ठीक है। न्यू स्पेशल बाउंड्रीज ये हो गया है जनाब, अमेज़न ट्रेड इन प्रोग्राम है, ठीक है जी। अमेज़ॉन का जब भी कोई नया प्रोग्राम आता है तो अमेज़ॉन उसके बैनर्स और उसके लिंक्स जो हैं वो प्रोवाइड करता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रमोट कर सकें,
तो ये एक तरह से देखा जाए तो एनवायरनमेंट है अमेज़ॉन का, जहाँ आप जो है आपका टाइम स्पेंड होता है, जब भी आपको अमेज़ॉन एसोसिएट में लॉगिन करेंगे तो एक्चुअली आप इसी जगह लॉगिन करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आ रही हैं, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट से ये पता चलता है कि आपके पास जो है इस वक्त क्या ज़्यादा हॉट चल रहा है। इसके अलावा मज़ीद अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर रिसर्च करना चाहें तो आप यहाँ अमेज़ॉन के ऊपर मज़ीद भी रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने का तरीका ये होता है कि आप अमेज़ॉन में जाएँ, मुख्तलिफ इसके अंदर आपको डिपार्टमेंट्स नज़र आते हैं, डिपार्टमेंट्स पर आप डबल क्लिक कर दें तो आपको मुख्तलिफ यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की चीज़ें नज़र आती हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके जहन में ये सवाल हो सकता है कि भाई मैं जो है क्या प्रोडक्ट प्रमोट करूँ, तो यहाँ आपके पास मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। आप डिजिटल म्यूज़िक में कुछ कर सकते हैं, फायर फोन कर सकते हैं, टीवी कर सकते हैं, होम गार्डन से मुख्तलिफ प्रोडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, होम गार्डन की प्रोडक्ट्स करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उसकी भी सब कैटेगरी लें। मिसाल के तौर पे होम अप्लाइंसेज हैं, फाइन आर्ट्स हैं, पेट सप्लाइज हैं। अब पेट सप्लाइज में हम आ जाते हैं, ठीक है जी। पेट सप्लाइज जो हैं इसके अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है जी। ये एक बता रहा है कि जी बर्ड्स की जो इसकी सप्लाइज हैं इसके पास 2000 हैं, कैट्स की इसके पास 1,39,000 प्लस हैं, डॉग्स की इसके पास 6,59,000 प्लस हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो हैं तरह की इसके पास सप्लाइज हैं। अब फॉर एग्जांपल आप चाहें तो यहाँ से भी आप मज़ीद फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहें तो यहाँ पे कैट सप्लाइज जो हैं वो देख सकते हैं। अब कैट सप्लाइज़ में जो है आपके पास ये कह रहे हैं कि जी आपको यहाँ पे कैट सप्लाइज़ की प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, इन प्रोडक्ट्स को भी आप प्रमोट कर सकते हैं। हमारी तरफ से यही रेकमेंडेड होता है कि आप निश मार्केटिंग करें। निश मार्केटिंग का मतलब ये है कि एक तरीका तो ये कि आप अमेज़ॉन की पूरी वेबसाइट बना लें, यानी कि उसके अंदर अमेज़ॉन की पूरी आप प्रोडक्ट्स प्रमोट करें। एक तरीका ये है कि आप उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में करें, लेकिन निश का मतलब ये है कि आप डिपार्टमेंट्स के अंदर से भी कैटेगरीज लें, उसके अंदर से भी सब कैटेगरीज लें। मिसाल के तौर पे मैं पेट्स में आ गया, पेट्स के अंदर भी मैं आके जो है वो कैट्स में आ गया। अब हम यहाँ से जो प्रोडक्ट्स हम प्रमोट करेंगे उसके अंदर भी फर्दर मज़ीद निश है, लेकिन आप इस प्रोडक्ट को भी लाइन को भी ले लें तो भी ये अच्छी एक निच काउंट होगी। लेकिन मज़ीद भी अगर आप चाहें तो इसके अंदर आपको मज़ीद भी निच अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखें तो आपको मुख्तलिफ फर्दर डिटेल्स आ रही हैं। प्रोडक्ट आपको ऐसी प्रमोट करनी चाहिए जो $100 के अराउंड में, जिसके पास प्रोडक्ट्स की बड़ी तादाद हो। मिसाल के तौर पे अभी फ़िलहाल हम जिस जगह मौजूद है यहाँ पे 79,000 प्रोडक्ट्स तो ऐसी हैं जो कि $25 या उससे कम की हैं। देखिए अगर उसकी प्रोडक्ट की अपनी ही प्राइस जो है $25 या उससे कम होगी तो डेफिनेटली हमारा कमीशन तो बहुत ही कम होगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स लें जो $100 या $200 या उससे भी अबव की हों। और साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उस प्रोडक्ट लाइन में रिव्यूज़ कितने हैं, क्योंकि रिव्यू जितनी सेल्स होती हैं उसी हिसाब से रिव्यूज़ होते हैं। तो जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे, जितनी ज़्यादा सेल्स हो रही होंगी, उतना ही चांस ये है कि हमें भी हमारी प्रोडक्ट भी ज़्यादा सेल होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें तो हमें ऐसी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं जिसके 1,000 है, किसी का दो, ये 2,000 है तकरीबन, ये 2,500 है, तो इसके रिव्यूज़ की तादाद अच्छी खासी है, ठीक है जी। तो और प्रोडक्ट के प्राइसेस भी अच्छे हैं, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तादाद हमें बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। तो हम थोड़ा सा अपना प्राइस फिल्टर चेंज करके देखते हैं, हम इसको कर देते हैं 50 से अबव में, कितना भी हो जाए अबव हमें कोई मसला नहीं, 1,000 10,000 की प्रोडक्ट्स हो। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं, इसमें अब हमें सूरत हाल कुछ बेहतर लग रही है। तो यानी चंद चीज़ें आपने देखनी है प्रोडक्ट प्रमोट करने से पहले, ये प्रोडक्ट की जो लाइन है उसके अंदर आपके रिव्यूज़ की तादाद अच्छी हो, प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस अच्छी हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो कस्टमर रिव्यूज़ इस लाइन में 2,000 कस्टमर रिव्यूज़ जो हैं वो 4+ के हैं, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है जी। देखें जो प्रोडक्ट
ज़्यादा अच्छी चल रही होगी, लोगों को पसंद आ रही होगी, वो सेल करना आसान होगी। जो प्रोडक्ट्स में लोगों की दिलचस्पी नहीं होगी उसको सेल करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगेंगे। तो प्रोडक्ट लाइन हमेशा ऐसी सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि ज़्यादा सेल हो, इसमें ऑटोमेटिकली सेल्स ज़्यादा हो, एवरेज प्राइसेस अच्छे हों, ताकि हमें एक सफिशिएंट कमीशन मिल सके। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो अमेज़ॉन का ओवरव्यू है। अब हमें आते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ, हमें जाना होगा ताकि हम देखें कि अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स को हम कहाँ और कैसे प्रमोट करेंगे।